नमस्कार, मैं पूजा और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज के दिन की शुरुआत की खास खबरें, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू करना, जिससे आपका दिन छुप जाए। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पाकिस्तान जल चुनाव करने पर मजबूर हो सकती है पाक सरकार। इस्लामाबाद पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल जारी है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के कारण शहबाज शरीफ के नेतृत्व में काम करने के दौरान राजनीतिक दलों की गठबंधन सरकार बनी थी, जो बेहद अनिश्चित रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक चुनाव की बीच वर्तमान व्यवस्था को संभालना इतना आसान नहीं है। ऐसे कई कारण है जिसे देखते हुए लगता है कि शरीफ सरकार जल्दी चुनाव करने वाली है। चुनाव करने पर वो मजबूर भी है। जल्दी चुनाव कराए जाने को लेकर जो एक सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है, वो देश के मौजूदा बिगड़ते आर्थिक संकट के बारे में है, जिसके बारे में शरीफ और अन्य गठबंधन सहयोगी कह रहे हैं कि यह उनके पूर्ववर्ती इमरान खान के कारण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ को उनके बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश में जल्द चुनाव कराने के लिए कहा है। नवाज शरीफ फिलहाल लंदन में है और उन्होंने कथित तौर पर शहबाज शरीफ को सरकार का कार्यकाल पूरा करने की ओर नहीं देखने और जल्द चुनाव कराने के लिए कहा है। उनकी बेटी और PMLN की चेयरपर्सन मरियम नवाज के माध्यम से एक संदेश स्पष्ट रूप से प्रचारित किया जा रहा है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक रैलियों में जल्द चुनाव की मांग कर रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी सहित सत्ताधारी सरकार के गठबंधन सहयोगियों ने शहबाज शरीफ से अपील की है कि वे जल्दी चुनाव न कराएं और देश को मौजूदा आर्थिक संकट से उबारने के लिए कठिन, अलोकप्रिय और साहसिक आर्थिक निर्णय लेने के लिए कमर कस लें। गठबंधन सरकार के अधिकतर सहयोगियों ने शहबाज शरीफ से अपना कार्यकाल पूरा करने और चुनावी प्रक्रिया में जाने से पहले कुछ जरूरी सुधार करने की मांग की है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के साथ पाकिस्तान का आर्थिक संकट IMF के साथ चल रही बातचीत पर निर्भर है। हालांकि जमीन पर स्थिति गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान सख्त नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए MNS News Live, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।